महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में बनी सरकार के मंत्रिमंडल का 32 दिन बाद पहला विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो उप मुख्यमंत्री पद एनसीपी के खाते में जा सकता है और इस गद्दी पर अजीत पवार बैठ सकते हैं। ये तैयारियां हैं महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार की। 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे ने राज्य की कमान संभाली और इसके 32 दिन बाद पहला कैबिनेट विस्तार 30 दिसंबर को होगा। सूत्रों की माने तो एनसीपी के खाते में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है और इस पर अजीत पवार बैठ सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय भी अजीत पवार को मिल सकता है। एनसीपी के धनंजय मुंडे को वित्त मंत्रालय, जयंत पाटिल को सिंचाई मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा नए मंत्रिमंडल में नवाब मलिक, जितेंद्र अवहाड, अदिति तटकरे, सुनील देशमुख, दिलीप वलसे पाटिल, दत्ता बरने और राजेश टोपे के नाम शामिल होने की संभावना है। कैबिनेट एक्सपेंशन तो होगा कल 1 बजे। नेचुरली हमारे सीएलपी लीडर वो नाम मुख्यमंत्री को देंगे और मुख्यमंत्री गवर्नर को पेश करेंगे। अभी 12 जगह हमारे लिए मिली है, उसमें 2 स्टेट मिनिस्टर रहेंगे, 10 कैबिनेट रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुंबई में तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। विधान भवन के आसपास सुरक्षा कड़ी है। वीवीआईपीज के अलावा आम लोगों के लिए भी शपथ ग्रहण देखने के अलग से इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का कल विस्तार होना है और इसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। विधान भवन के सामने यह पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है। सामने जो आप देख रहे हैं दरअसल ये स्टेज है जहां पर जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो मंत्री हैं, यहां पर शपथ लेंगे। तमाम LEDs जो हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो पूरा आपको थोड़े थोड़े अंतर पर आपको यहाँ पर LED देखने को मिलेगी। ये भीतरी अरेंजमेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो अरेंजमेंट है VIPs और VVIPs के लिए है, लेकिन आम जनता के लिए भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। आम जनता के लिए बाहर यानी कि पूरी तरह से प्रमाइसिस के बाहर 10 LED लगाए गए हैं, जहाँ से जो लोग हैं, आते जाते लोग या आम जनता जो इस शपथ विधि को देखना चाहे वो देख सकता है। इसके अलावा पुलिस की तैनाती जो है वो आज से ही कर दी गई है। इससे पहले 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे के साथ नितिन राउत, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई और छगन भुजबल शपथ ले चुके हैं। तय फॉर्मूले के मुताबिक शिवसेना के 16, एनसीपी के 14 और कांग्रेस के 12 मंत्री सरकार का हिस्सा होंगे, पर कुछ विभागों को लेकर अब भी घमासान मचा है। अब तक सरकार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक होने की बात जो है वो कही जा रही थी, लेकिन सूत्र अब भी बता रहे हैं कि एनसीपी और शिवसेना के बीच गृह मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है। जाहिर है शपथ ग्रहण समारोह के बाद सस्पेंस हट जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।